वहीं मॉब लिंचिंग पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने विवादित बयान दिया। कल्बे जव्वाद ने हर मुसलमान को हथियार रखने की सलाह दे दी। उन्होंने ये कहा कि आत्मरक्षा का हक मुसलमानों को कुरान से मिला है और जान की रक्षा के लिए हथियार रखना आत्मरक्षा का हिस्सा है। मॉब लिंचिंग पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने विवादित बयान दिया है। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादित बात कही। कल मौलाना कल्बे जव्वाद ने हर मुसलमान को हथियार रखने की सलाह दी। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा आत्मरक्षा का हक मुसलमानों को कुरान से मिला है। कल्बे जव्वाद ने कहा कि जान की रक्षा के लिए हथियार रखना आत्मरक्षा का हिस्सा है। 26 जुलाई को कानूनी तौर पर हथियार रखने की ट्रेनिंग के लिए कैंप का आयोजन किया गया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुसलमानों के हिफाजत की बात करते करते उन्होंने विवादित बयान दे दिया। मौलाना कल्बे ने हाल के दिनों में हुई मॉब लिंचिंग को धर्म से जोड़ा और कहा कि मुसलमानों को आत्मरक्षा का हक कुरान से मिला है। तो सेल्फ डिफेंस है, वो हमारा हक है। इस्लाम ने भी बहरहाल इसकी इजाजत दी है और कुरान में भी इसकी इजाजत है कि इंसान अपना सेल्फ डिफेंस करे वहाँ पर। और जो जिहाद है वो असल में डिफेंसिव जिहाद है हमारे, उस पर ऑफेंस की इजाजत नहीं है, सिर्फ डिफेंस कर सकते। इसी तरह से अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अगर किसी ने हमला किया है तो इंसान अपने को उसको डिफेंड करने का हक हासिल है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में आया है, इस्लाम ने पहले कहा है कि डिफेंस उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत हो। मसलन कहीं पर एक लाठी चलाने की जरूरत है, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके वजह आपने दो लाठी चला दी तो वो दूसरी लाठी जो चलाई है उसका जुर्माना देना होगा, उसकी सजा भुगतना होगी। ये इस्लाम में खास तौर से है। तो पहले महमूद प्राचा और अब कल्बे जव्वाद की बात आपने सुन ली है। वहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड के गुमला में दो महिलाओं समेत चार लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इन लोगों को काला जादू के शक में लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम नहीं, आज फिर सामने आई कई वारदात। झारखंड के गुमला में काले जादू के शक में चार लोगों को पीट पीट कर मार डाला। बीती रात 3 बजे 10 से 12 लोगों ने घरों से खींच कर निकाला और हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा मॉब लिंचिंग रोकने के लिए ला रहे हैं सख्त कानून। भोपाल के बाण गंगा में बच्चा चोरी के शक में एक व्यक्ति की पिटाई, पुलिस ने बचाया। बेगूसराय में लूटपाट के आरोप में भीड़ ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। झारखंड के गुमला में मॉब लिंचिंग की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। सिसई थाना क्षेत्र के नगर शिकारी गांव में चार लोगों को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया। हत्या की वजह जादू टोने का शक बताया जा रहा है। मारे गए लोगों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ चार लोगों की हत्या कर दी गई है और प्रथम दृष्टया यह अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से घटना का विवरणी हम लोगों को मिला है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है हम लोगों ने और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसे यह अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला लगता है। मामले की छानबीन की जा रही है, जैसा कि हम लोग सभी घर में जाके पूछताछ किए हैं। इन चारों लोगों के द्वारा ऐसी सूचना मिली है कि इन लोगों के द्वारा भगते ही और ये झाड़फूंक का काम किया जाता था, और बाकी भी कुछ गुप्त सूचना भी मिली है, कुछ सर्कमस्टांसेस भी देखने से ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये अंधविश्वास से रिलेटेड कुछ हत्या का मामला है। बिहार के बेगूसराय में भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई। यहाँ भीड़ ने लूट के आरोप में एक युवक को बुरी तरह मारा पीटा। वारदात नगर थाने के ट्रैफिक चौक की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से बचाया। भोपाल के बाण गंगा इलाके में बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पिटाई की गई। यहां भी घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से बचा लिया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। इससे पहले बिहार के छपरा, हाजीपुर और आरा में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। हाजीपुर में भीड़ ने लुटेरे की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरा के गढ़हानी थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने 3 लोगों को चोरी के आरोप में पकड़ा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। छपरा में भी 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया था।